हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही होंगी उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे और डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग का टॉपिक है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, उनसे क्या बातें छुपा रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, उनसे क्या छुपा रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और आपके साथ बिताए हुए अंतरंग क्षण ये भुला नहीं पा रहे हैं। ये शिद्दत से आपको चाहते हैं, शिद्दत से आपको याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो एंट है, इनकी जो ईगो है, मेल ईगो, वो इनको इस बात को आपके आगे बोलने से रोकती है। आप इनके लिए बहुत कुछ हो, आपके बिना ये कुछ नहीं है, आपके लिए ये क्रेविंग करते हैं, आपसे ये मिलना चाहते हैं, लेकिन इनका जो मेल ईगो है ना, वो इनको रोक देता है। ये अपनी कोई भी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और देखिएगा, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये पर्सन इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, इस बात को बिल्कुल आपके आगे बयां नहीं कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं इस बात को कि आप इनको बहुत ज़्यादा लव देती हो, आप इनको बहुत ज़्यादा केयर देती हो और आपके अफेक्शन की वजह से ये पर्सन खुद को हील कर पाते हैं, लेकिन ये आपसे इस बात को बिल्कुल भी बयां नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये बातें ये आपसे छुपा रहे हैं। आपके जैसा पर्सन इनकी लाइफ में ना कोई आया है ना आएगा। द वर्ल्ड, आप इनके लिए इनकी होल सोल दुनिया हो। आपसे मिलने से पहले इनके अंदर बहुत सारे फियर थे, इनको बार बार ये फील होता था कि ये लव डिज़र्व नहीं करते हैं, इनको बार बार ये फील होता था कि इनको ट्रू लव नहीं मिल सकता है, इनको बार बार ये फील होता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कम हैं, दूसरों से ये अपने आप को कम फील करते थे। और ये वजह है कि इनके पहले के रिलेशनशिप टूटे हैं, लेकिन आपने इनको सपोर्ट दिया, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया। इस बात को ये पर्सन आपके आगे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें इन्होंने अपने दिल में दबा के रखी हैं, छुपा के रखी हैं। बॉटम ऑफ डेक है, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये कहना चाहते हैं आपसे, ये रियलिटी जो असलियत है दिल की, वो आपके सामने निकालना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। करें क्या ना करें, आपको बताएं या ना बताएं, इनको ये फील होता है कि अगर इन्होंने आपको ये बता दिया कि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं, तो मे बी आपको बड़ा घमंड आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़क्र होगा, आप
अपने आप पर और आप इनको ग्रांटेड ले लोगी, इस तरह की इनकी थिंकिंग चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ये पता है कि आप इनको किस्मत से मिले हो, इनकी पूजा पाठ का फल है जो आप इनको मिले हो, और आपको मिलने के बाद इनके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आई है, एक अलग इनके अंदर इंथुजियाज्म आया है, क्योंकि आपसे मिलने से पहले इनको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाने भी सुनते थे तो ये सोचते थे कि किसके लिए सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। चेक करते हैं यहाँ से कि क्या आपके लिए आता है निकल कर। बॉटम ऑफ डेक है, फोर ऑफ कप्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिएगा अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ भी था। डेस्टिनी में अब कुछ ऐसा हो रहा है आपके कि ये पर्सन फिर से आपके पास आने वाले हैं, ये घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे। आपकी किस्मत में इनका आना लिखा हुआ है, और जो भी आपके बीच में गहमा गहमी हुई है, आपके बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, वो सिर्फ़ एक ब्लॉकेज था आपके रिलेशनशिप का, जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे। अब चूंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों दूर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेशन में रहे हैं, बात नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आपका एहसास हो रहा है। प्रिंसेस ऑफ क्वाइंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने तो ये तय कर लिया है कि आपको अपने आसपास किसी को नहीं आने देना है, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में जो भी हुआ है सब इन्हीं की बदौलत हुआ है, इनकी नासमझी की बदौलत हुआ है, और आपने कोशिशें बहुत कर ली हैं लेकिन अब आप गिव अप कर चुके हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि अब आप कुछ और एफर्ट लगाएं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये पर्सन खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे आपके रिश्ते में। चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है अभी आपके लिए, उनकी क्या एनर्जी है अभी आपके लिए। केयरिंग कनेक्शन, अब ये कनेक्शन आपका बहुत ग्राउंडेड होगा, आप सचमुच में वो पाएंगे इस कनेक्शन में जो आप डिज़र्व करते हैं, और जो आप सोचते थे पास्ट में अब आपको फ्यूचर में वो सब मिलेगा इस रिश्ते से। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक पहुंचने के लिए, इनको कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि ये आपको अप्रोच कर सकें, आपको अपना मैसेज दे सकें या आपसे मिल सकें, इनको अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इंडिसीजन, इंडिसाइजिव हैं, अगेन से इंडिसीजन में हैं। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है। द गार्डन एंड द गेट, लेकिन खुद को हील करेंगे, और जो खुशियाँ इनसे दूर हो चुकी हैं उन खुशियों को ये खुद से लेकर आएंगे अपने पास, और इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगी, रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा, एक न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, और ये रिलेशनशिप आपका एक स्टेप आगे जा रहा है, ये आपका रिलेशनशिप अब एक स्टेप आगे जा रहा है। चेक कर लेते हैं यहाँ से वो क्या कहना चाहते हैं। आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू, देखिए मैंने कहा था कि वो आ रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू ऑलवेज एंड फॉर एवर, यू आर माई नंबर वन। और यहाँ पर अगेन से शुरुआत हो रही है, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो रही है, अगेन आकर आपको प्रपोज करेंगे, तो ये है उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी वो छुपी हुई बातें जो वो किसी से नहीं बता रहे हैं, अपने अंदर जज्ब करके बैठे हैं, दबा के बैठे हैं, लेकिन वो आगे ओपन होने वाली हैं। तो गाइस,
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।